वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और उसकी वजह से जो किल्लत है वो आर्टिफिशियल किस्म की ज़खीरा अंदोज़ी की वजह से या सेल ना करने की वजह से कुछ रिपोर्ट्स आई हैं। आपको याद होगा कि रिसेंटली पिछले हफ्ते जो एक रुपए की डिवेल्यूशन हुई और रुपए की कदर में कमी और फिर पेट्रोलियम मसनूआत का बैन अल-अक़वामी मंडी में करीबन 11% तक का इजाफा वो हमें सामने रखना पड़ेगा। पिछले 4 महीने में 1 अक्टूबर से लेके 31 जनवरी तक, आज 29 जनवरी तक एक भी दफ़ा 4 महीने में यानी 8 अनाउंसमेंट हुई, एक भी दफ़ा कीमत को नहीं बढ़ाया गया, बल्कि पेट्रोल में और डीजल में करीबन 19-20 रुपए की कमी की गई इस पीरियड में, और केरोसिन ऑयल, मिट्टी के तेल और लाइट डीजल ऑयल में 29 और 30 रुपए की कमी की गई। इंटरनेशनल कीमतों के बावजूद और रुपए की कदर में जो स्टेट बैंक की तरफ से एक्शंस हुए उसमें जो रुपए की कदर में कमी के बावजूद वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब की हदायत पर ओगरा के साथ ये तय्यून किया गया कि मिनिमम प्राइस को इंक्रीज़ किया जाए इन चारों प्रोडक्ट्स में पब्लिक के लिए, और इसको आज इतवार 29 जनवरी सुबह 11 बजे से ये कीमतें लागू होंगी। फैसला ये हुआ है कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 35-35 रुपए फी लीटर इजाफा होगा और केरोसिन ऑयल और लाइट डीजल ऑयल में 18-18 रुपए का इजाफा होगा। इस इजाफे के बाद जो नई कीमतें आज 11 बजे से मुल्क में लागू होंगी वो पेट्रोल 249.80 रुपए फी लीटर, हाई स्पीड डीजल 262.80 रुपए फी लीटर, केरोसिन ऑयल 199.83 रुपए फी लीटर और लाइट डीजल ऑयल 187 रुपए फी लीटर मुकर्रर किया गया है। मुझे उम्मीद है कि इस जो इमीडिएट एक्शन लिया गया है आज ओगरा की रिकमेंडेशन पे कि ये जो आर्जी जखीरा अंदोजी हो रही है और कुछ जगह से किल्लत का जो यानी फीडबैक मिल रही है उसको ख़त्म करने के लिए उन्होंने हुकूमत पाकिस्तान और वज़ीर-ए-आज़म से दरख्वास्त की है कि ये कीमतों का तय्यून फौरी तौर पे कर दिया जाए आज से और अनाउंस कर दिया जाए ताकि ये जो एक आर्टिफिशियल एक यानी सिचुएशन क्रिएट की जा चुकी है इसको फौरी ख़त्म हो जाएगा इंशाल्लाह। मुल्क में इन तमाम प्रोडक्ट्स की जो यानी टोटल क्वांटिटी बहुत मुनासिब मकदार में मौजूद है और नॉर्मल हालात में कोई वजह नहीं कि किसी जगह पे भी ये किल्लत होती, ये सिर्फ अपने ज़्यादा कीमत के इंतज़ार में, और चूँकि मीडिया में और सोशल मीडिया में कहीं यानी 47 रुपये से लेके 80 रुपये तक कैलकुलेट करके बताया गया ये बढ़नी है, तो मेरा ख्याल है कि वो एक उनके लिए एक इंसेंटिव हो गया अनफॉर्चुनेटली, तो इसलिए इन कीमतों का ऐलान अभी किया जा रहा है और ये अभी 11 बजे 2-3 मिनट के बाद 11 बजे से ये लागू होगी। और मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 35 रुपये फी लीटर इजाफा है और केरोसिन ऑयल और लाइट डीजल ऑयल में 18-18 रुपये फी लीटर इजाफा है। अल्लाह ताला आप सबको हामी और नासर हो। बहुत शुक्रिया। तो हुकूमत